हेलो एवरीवन मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन इंडियन रेलवे ए भर्ती 2024 से रिलेटेड यहाँ पर एक और न्यू ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया है और ये जो नोटिस है ये आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अभी उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए पोस्ट भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको इस नोटिस में क्लियर किया गया है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका जो आपकी क्वेरी है अगर आपको उनका आंसर नहीं मिला है तो इस नोटिस के थ्रू आपको उससे रिलेटेड यानी एआरपी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती से रिलेटेड सारे आंसर आपको मिल जाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में कवर करेंगे ऑफिशियल अपडेट है आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सारा आप नोटिस अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिएगा ओके तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ओपन करेंगे और हम उसके बारे में देखेंगे साथ में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि आपको किस वेबसाइट पर जाकर के आप किस तरह से इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अभी हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सीई एन नंबर जीरो ट्वेंटी फोर फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई यानी उनका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपकी टोटल फाइव पेजेस का पीडीएफ है जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट एन अकाउंट अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी तो कैंडिडेट शुड हैव देयर मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक तो वैलिड मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी की जरूरत रहेगी सेकेंड अगर आपका क्वेश्चन है कि वट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट एंटर ऑल योर पर्सनल डिटेल्स आस्ट फॉर इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर एंड ई मेल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के साथ में जो भी अदर डिटेल्स आपसे मांगते हैं उस डिटेल को आपको फिल करना है उसके बाद आपको ओ टी पी विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी सेंड की जाएगी एंड द सेम हैव टू बी एंटर्ड एंड सबमिटेड इस ओ टी पी को आपको सबमिट एंटर uh, करना है एंड सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा तो आपका सबमिट हो जाएगा नेक्स्ट अगर आपका थर्ड क्वेश्चन है कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल क्या मैं अकाउंट डिटेल को एडिट कर सकता हूं तो वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड अगर आपका एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया है यू कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट आप कोई भी एडिट इसमें नहीं कर सकते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहां पर रहेगा वट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर एन अकाउंट तो यहां पर दिया गया है कि सबसे पहले गो टू अप्लाई अप्लाई ऑप्शन पर आप जाएंगे इन द ड्रॉप डाउन जो आपको नीचे मिलेगा सिलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वहां पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा साइन इन टू योर अकाउंट आप अपने जो अकाउंट है उसको आप साइन इन करेंगे देयर आर फाइव ब्रॉड सेक्शन इसमें आपको फाइव ब्रॉड सेक्शन देखने को मिलेंगे जिसमें फर्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल होगी सेकेंड अदर डिटेल्स रहेगी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंस प्रिव्यू एंड सबमिट ठीक है ये आपके सामने आ जाएंगे स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स एंटर योर पर्टिकुलर आफ्टर एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स सेव एंड गो टू नेक्स्ट सेक्शन एंड सो ऑन अंटिल द लास्ट वन विज प्रेफरेंस एंड एंड सबमिट वेर यू कैन फाइनली सबमिट एप्लीकेशन नेक्स्ट कंप्लीट द फीस पेमेंट एप्लीकेशन सबमिट हो गया उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी होगी टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर टू लॉग इन अगर आप लॉग इन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर इसकी रहेगी तो एंटर योर मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट के टाइम पर यूज किया था या ईमेल आईडी की थी दोनों में से कोई एक आपको एंटर करना है आपका पासवर्ड और जो कैप्चा आएगा वो आपको फिल करना है इसके साथ आप अपने जो अकाउंट है उसको आप लॉग इन कर सकते हैं Why Aadhar Verification is required? तो so, Aadhar Validation is required for smooth entry at the examination center. ठीक है? ARVs will not share Aadhar detail with any third party or use them for any purpose other than the objective of the CEN 01 2024. इसके अलावा और कहीं इसका यूज़ नहीं होगा, कोई भी डिटेल आपकी शेनी होगी, ठीक है?

डी इसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आपको ये प्रूफ दिखाना होगा यू ऑल्सो द ऑरिजिनल नेम एंड चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट आपका जो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उस टाइम पर आपका जो ऑरिजिनल नेम था वो भी आपको देना होगा एंड आपने जो नेम चेंज हुआ है वो भी ये उस कंडीशन में होगा जो स्टूडेंट है जिनका नेम चेंज हो जाता है बाद में कर लेते उनके लिए यहाँ पर ये यह, क्वेश्चन uh, है वट्सोड आई डूफर फूल जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे तो पासवर्ड इजरेटेड बाई यू इन केस ऑफ पासवर्ड इज फॉरगेटन देर इज अ फॉरगे पासवर्ड लिंक आपको दी जाएगी फॉरगेड पासवर्ड पर आपको क्लिक करना होगा एंटर यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी न्यू पासवर्ड विल बी सेंट टू यूर रजिस्टर्ड ईमेल अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस तरह से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड बर्थ डेट डाल करके आप एंटर करेंगे तो आपको एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा थर्ड क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस तो यस यू कैन चेंज ठीक है कैन आई चेंज माई चूजन आर आर बी

जिबल फॉर फ्री ट्रेवल ऑथॉरिटी फ्री रेलवे पास के लिए कौन एलिजिबल होगा जिसको आना जाना रेलवे से फ्री रहेगा तो वो यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ट्राइव ओनली कैन एविल फ्री ट्रेवल ऑथॉरिटी ठीक है तो एस सी एस टी कैंडिडेट हाउ डू आई एविल फ्री ट्रेवल ऑथॉरिटी तो दिस फैकल्टी इज एवेलेबल ओनली ओनली टू एस सी एस टी कैंडिडेट हू कैन एविल द सेम बाय चूजिंग यस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन अंडर डू यू विश टू एवल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम रेलवे स्टेशन यू विल बी प्रमिट टू अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है तो so, जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां पर आपको फिल करना होगा और आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हाउ कैन आई रिसीव्ड द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी किस तरह से आप रिसीव करेंगे

इसके बाद आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट अगर आप इनेबल है नहीं कर पा रहे हैं तो ये फॉर्मेट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा वट इज ई बी सी ई बी सी क्या है तो ईवीसी इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ईवीसी कैंडिडेट आर दोज हु एनुअली फैमिली इनकम पचास हजार से भी कम है उनको यहां पर ईवीसी कहा गया है जैसे अगर फॉर्म में आ रहा है ईवीसी कैटेगरी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ईवीसी का मतलब है इकोनॉमिकली वीक इकोनॉमिकली इकोनॉमिकलीक बैकवर्ड क्लासेस जिनकी फैमिली इनकम पचास हजार से कम है वट आर द बेनिफिट गिवन टू ईवीसी कैंडिडेट तो ईवीसी कैंडिडेट आर गिवन ओनली फ्री फी कंसेशन फी कंसेशन में आपको यहां पर बेनिफिट दिया गया है ईवीसी कैंडिडेट को आई एम एन ईवीसी वी डू इफ आई डू नॉट हैव सर्टिफिकेट अगर हमारे पास ईवीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यू कैन गेट अ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आर दे आर रिजर्व पोस्ट फॉर ईवीसी तो ईवीसी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व नहीं है ठीक है तो ये क्वेश्चन है आप इनको रीड कर लीजिएगा इस देयर रिजर्वेशन फॉर सी सी ए ए सीसीए कैंडिडेट आर एलिजिबल ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन जो सी सी ए कैंडिडेट है वो सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है

तो क्वालिफिकेशन आपको मैंने बताई दी है जो नोटिफिकेशन में है वही यहां पर और जो ट्रेड्स वगैरह है वो भी उसमें क्लियरली मैंशन किए गए हैं इफ आई डू नॉट हैिस्क्राइब्ड आई टी आई एन एस डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्ट सर्टिफिकेट तो क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी को डिटेल uh, में अच्छे से नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है ओके okay, अब यहां पर इन द एप्लीकेशन

क्लिक आपको फिर से एड जो बटन है उस पर अगेन क्लिक करना होगा तो आप वहां पर अदर अपनी क्वालिफिकेशन कर सकेंगे आई हैव डन एन टी सी एंड एन ई सी कैन आई एड बोथ द क्वालिफिकेशन तो यस क्लिक ऑन एंड बटन फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल एंड क्लिक ऑन एड बटन अगेन एड बटन आपको अगेन करना होगा आप उसमें अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से फिल कर सकेंगे आई हैव डन एन टी सी एंड डिप्लोमा कैन आई एड बोथ द क्वालिफिकेशन तो यस yes. अब किस तरह से करना है वो हम देख ही चुके हैं आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप पहले एड बटन पर क्लिक करेंगे क्वालिफिकेशन करेंगे एंड वहां पर फिर से एड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट अपनी क्वालिफिकेशन को फिल कर सकेंगे ठीक है तो ये यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिए गए हैं इसके बाद आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसिप कैन आई अप्लाई तो ओनली कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसिप एज एक्सेप्टेड एंड आई हैव डन डिप्लोमा इन डिग्री ये हमने देखी लिया है वॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोड इन टोटल तो ये यहाँ पर एस सी कैंडिडेट का दिया गया है व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट का साइज आप 34 क्वेश्चन में देख रहे हैं फॉर आईटीआई कैंडिडेट व्हाट इज एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी एंड सीवी टी टू तो कैंडिडेट आईटीआई की जो क्वालिफिकेशन पार्ट टू पार्ट बी में आपकी जो रहेगी वो मैं भी आपको नोटिफिकेशन में बता चुकी हूँ एक बार फिर से अगर आप कहेंगे तो अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी एग्जामिनेशन को लेकर के ओके okay, तो ये यहाँ पर है अब आप आपके सारे जो क्वेश्चन है ये इसकी ऑफिसल साइट पर आ चुके हैं तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं वेयर विल देयर बी निगेटिव मार्किंग तो सीबीटी वन और सीबीटी टू में आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी जो आपका सीबीए होगा कंप्यूटर वाला उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी ठीक है ये हो गया इसके बाद आप और भी क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं अब इसकी साइट में आपको बता देती हूँ तो आप यहाँ पर आएंगे रेलवे भर्ती बोर्ड अहमदाबाद आरआरबी अहमदाबाद की साइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ देखने को मिलेगा आपको 23 जनवरी 2024 की डेट में और ये आपका दिया है जीरो वन सिलेस टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ए एल पी और क्लिक हेयर फॉर आंसर ऑफ फ्रिक्वेंटली कॉन्ट आस्ट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन है उनका आंसर आपको यहाँ दिया गया है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं सो वैकेंसी अपडेट के लिए इंडियन रेलवे हो या अदर किसी डिपार्टमेंट की बड़ी भर्ती का अगर आप वेट कर रहे हैं और जेन्यून इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम जॉब प्रोफाइल्स एंड वैकेंसी वीडियोस अपलोड करती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग